अब तो कल की होली का बेसब्री से इंतजार है। ये होली बहुत यादगार होने वाली है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। किसकी होली यादगार होने वाली है बुआ? और ऐसा क्या स्पेशल करने वाले हैं आप दोनों? बताइए ना बुआ, क्या स्पेशल करने वाले हैं आप दोनों? बैठ आंचु, बैठ बैठ बैठ। वो नहीं बुआ, सरप्राइज है ना, होली के दिन ही पता चलेगा तुम्हें। हाँ सही भी तो है ना, मतलब खुद अपनी आंखों से देखेगा तो ज्यादा मजा आएगा। Really? वैसे बुआ इस बार होली के लिए ना मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप जानती है मैंने काजल के लिए एक धमाकेदार और बहुत ही ज्यादा अच्छा सरप्राइज प्लान किया। सीरियसली क्या प्लान किया अंशु, हमें भी तो बताओ। तान्या दी, आप लोग प्रॉमिस कीजिए मुझे कि आप लोग काजल से कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, प्रॉमिस। या ओके, तो मैंने मेरे गुरुजी और गॉड ऑफ डांस मनु भार्गव सर को हमारी होली पार्टी के लिए इन्वाइट किया है। मेरी अभी अभी सोनिया से भी बात हुई है बुआ, और सोनिया ने मुझे कहा है कि कल वो खुद मनु भार्गव सर को हमारी होली की पार्टी में लेकर आने वाली है। बुआ मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी लाइफ का ये बहुत बड़ा और मेमोरेबल मोमेंट होगा, काजल और मैं एक साथ मिलेंगे मनु भार्गव सर को। बहुत दिनों के बाद मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है। एनीवेज आई विल सी यू बुआ, बाय तान्या दी। हम यहाँ होली पे इतना बड़ा धमाका करने की सोच रहे हैं, और यांशु, अंशु उस मिडिल क्लास लड़की को मनु भार्गव से मिलवाने का प्लान कर रहा है। उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो इतने बड़े डांसिंग स्टार से मिलेगी। हम श्योर ये उस दो कौड़ी की लड़की की लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा जब वो इतने बड़े स्टार के सामने होगी। हमारे लिए और भी अच्छा है तान्या, सोचो अगर ये सारा तमाशा मनु भार्गव के सामने होगा तो कितना मजा आएगा। काजल की बेइज्जती मनु भार्गव के सामने होगी तो अंशु को तो और भी बुरा लगेगा, हमारा काम तो और भी आसान हो गया। अब तो बस कल होली का इंतजार है। होली मुबारक। चावल खत्म, लो चीनी भी खत्म, दाल भी नहीं। क्या मेरे तकदीर भी इन खाली डिब्बों की तरह होती जा रही है, और वहाँ वो कलमुही काजल बड़े घर की बहू बनकर राज करने जा रही है, और मैं बस सपने ही देखती रही कि मेरे भी घर में कोई अमीर ज़ादी बहू बनकर आए, दहेज में दो चार नौकर ले आए, सब धरा का धरा रह गया। अरे रोचक, रोचक, ये बाप बेटों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। अरे उस काजल से फुर्सत मिले तुझे तब माँ पर ध्यान जाएगा ना, मजा ले कि घर में एक भी तिनका यहाँ से वहाँ कर दे तू। बस मैं अकेली करती रहूँ सब। क्या बात है, मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूँ, और ये हर बात में काजल को बीच में लाने की क्या जरूरत है? सामान चाहिए ना आपको, लेके आता हूँ ना मैं। अरे थैला उठा के सीधा चल दिया। अरे रोचक, अरे पागल लड़के पूछ तो ले कि घर में सामान है नहीं है, क्या लाना, पूछेगा भी कि ऐसे ही चला जाएगा सामान लेने? अरे बचपन से तो यही करते आ रहा हूँ माया, सब पता है क्या लेके आना, आता हूँ लेकर मैं। हाय। आप? रिया। रिया बेटा क्या हुआ, आप मुझे देख के चौंक गए? हाँ नहीं लेकिन तू चुप कर। अरे दरवाजे पर खड़े मेहमान को यहीं से लौटा देगा क्या? आओ ना बेटा अंदर आओ। क्या इतना सामान सब, दुबली पतली सी सुंदर सी लड़की, आ जा बेटा, आ जा जा, आ जा तू बैठ पहले, अच्छा अच्छा सिट। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं आंटी, बस ऑनलाइन ऑर्डर करके घर के लिए कुछ ऑर्गेनिक ग्रोसरीज मंगवा रही थी तो सोचा आपके लिए भी ले आऊं। मेरे लिए ये लीजिए।
ऑर्गेनिक, ये क्या भला है? अमीरों के राशन को बोलते होंगे। देखो तो जरा क्या क्या लाई हो तुम। दाल, चीनी, बासमती चावल। अरे कितने संजोग की बात है ना, मैं अभी भी रोचक उस बाजार यही सारा सामान लाने भेज रही थी और बताओ तुम लेकर आ गई। हाउ स्वीट, थैंक यू बेटा। अरे नहीं आंटी, इसमें थैंक यू वाली कोई बात ही नहीं है। अरे क्यों थैंक यू वाली कोई बात नहीं है? तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मेरे बारे में सोचकर मेरे लिए इतना सामान लेकर आई। अब मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं, है? अब बताओ, चलो बेटा तुम्हारे मन में जो आया ना वो मुझसे आज मांग लो। क्या चाहिए बोलो, बताओ। अब देखिए ना आंटी, मुझे झांसी आए कितना टाइम हो गया है लेकिन मैंने अभी तक झांसी फोर्ट ही नहीं देखा है। कोई है ही नहीं जो मुझे झांसी घुमा सके, झांसी फोर्ट दिखा सके। अंशु भाई, काजल भाभी होली की पार्टी की तैयारियों में बिजी हैं। मम्मा, गौरव, तान्या दी, मामू सब किसी न किसी काम में बिजी हैं। तो मैं सोच रही थी अगर रोचक जी फ्री हो तो। अरे ये तो ये फ्री है, मेरा मतलब है कि रोचक राइटर है ना, बहुत बड़ा, पता है ना तुम्हें, वो क्या है ना मूड के हिसाब से दो चार लाइनें लिख देता है फिर पूरा दिन घर में बैठा रहता है। तो रोचक ले जाएगा तुम्हें घुमाने झांसी, है? रोचक चल जा बेटा, ले जा रही आपको घुमाने झांसी। अरे ऐसे कैसे, जब भी मन हो ले जाना, और वैसे भी अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ ना, नहीं जा सकता अभी मैं। सामान वामान की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी जो चाहिए था वो रिया बहू, मेरा मतलब है रिया बेटा, लेकर आई है ना, अब क्या जरूरत है, काम हो गया है, जा तू ले जा रिया। रिया बेटा एक काम करो तुम ना, रोचक का नंबर नोट डाउन करो, लो नंबर ले लो। अरे माँ, और जब भी मन करे ना उससे फोन करके बात कर लिया करना, और बाहर जाने का मन करे तो रोचक के ही साथ जाना। हाँ लो नंबर लो। वैसे भी मेरे बेटे को ना एक नए दोस्त की सख्त जरूरत है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में कैसा देवदास हो गया है देखो। नंबर नोट डाउन करो बेटा, लो लो 888। अच्छा वैसे बेटा तुम वो कुछ पार्टी के, होली की पार्टी के बारे में बात कर रही थी वो। हाँ आंटी, प्रिपरेशंस तो ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं, कल बहुत ग्रैंड पार्टी दे रहे हैं अंशु भाई काजल भाभी के लिए, आप सब जरूर आइएगा प्लीज। अरे प्लीज क्यों बोल रही हो बेटा, हैं? अब तुमने इनवाइट किया है तो मैं थोड़ी ना मना करूंगी, आऊंगी, जरूर आऊंगी, हम सब आएंगे। पर आना कहाँ है, मतलब पार्टी घर पर है या कहीं बाहर? झांसी बोट क्लब का लॉन बुक किया है अंशु भाई ने। झांसी बोट क्लब जी, आप जरूर आइएगा, और आप भी जरूर आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो रोचक खड़ा क्या है, जा ले जा रही आपको घुमाने। अरे लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जा ले जा, चल आ जा जा बेटा, चल घुमा ले यार। अरे क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, इतनी प्यारी लड़की है, खा थोड़ी ना जाएगी तुझे, जा ले जा घुमाने, जा जाओ बेटा जाओ, अच्छे से घूमना। हाँ हैव फन। हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, कब से इच्छा थी कि कोई अमीर लड़की मेरी बहू बने। कैसा लगेगा जब लोग कहेंगे कि वो देखो रिया अग्रवाल कामिनी शिवहरे की बहू, हाँ सुनकर इतना अच्छा लग रहा है। चलो आज तो ऑर्गेनिक दाल चावल का मजा लेती हूँ मैं। एक मिनट रोचक, 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 क्या हो गया? अरे ये क्या कर रही है रिया जी आप? वही जो एक खूबसूरत लड़की को तुम जैसे हैंडसम लड़के के सामने करना चाहिए। क्या मतलब? रेड रोज देके प्रपोज कर रही हूँ तुम्हें, और क्या, घुमा फिरा के बातें करना मुझे नहीं आता। आप प्लीज उठ जाइए, देखिए सारे मोहल्ले वाले देख रहे हैं रिया जी, उठ जाइए। तो देखने दो ना, हमको तो चोरी कर रहे हैं। आप प्लीज उठ जाइए, खड़े हो जाइए रिया जी, और देखिए अब मुझे इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको झांसी का किला घूमना है तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, वरना आप अपने घर में अपने घर। नहीं नहीं मैं आपके साथ ही आ रही हूँ। चलिए खड़ूस कहीं का, बट नो प्रॉब्लम, अगर तुम विश्वामित्र हो तो मैं भी मेनका हूँ,
तुम्हारी तपस्या तो जरूर भंग करूंगी। अब कर भी क्या सकते हैं, झांसी के लोकल हीरो से प्यार जो हो गया। अभी चाहे तुम जितना भी दूर भाग लो, कल होली पार्टी में तो आओगे ही ना। वही मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। अरे भैया जी चले बैठ। वाह 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 वाह, बस हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब आपको मुझे बताना ही होगा कि आपने होली के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया। सब्र कर अंशु, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और सही वक्त आने पे तो सब पता चल ही जाएगा। वो आप भी ना। बुआ, वो लोग आ गए। हाय अंशुमन। हाय काजल। नमस्ते बुआ। हेलो तानिया दी। हाय काजल। नमस्ते ईश्वरी जी। होली की शुभकामना। होली की शुभकामनाएं। कुछ साड़ियां और नेक का सामान लाए थे, आप रखवा देंगे? रखवा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते अंकल। होली मुबारक हो आपको। ये सब आने की क्या जरूरत थी? तूने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली छोटे। कहा था हमने रश्मि जी से कि ये सब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, पर ये तो इतना सब कुछ ले आए। वैसे हमारा फर्ज तो बनता ही है, रीति रिवाज परंपराएं निभानी पड़ती हैं रिश्तों में। ये तो सही कहा आपने, समाज में रहना है तो परंपराएं तो निभानी ही पड़ेंगी। तो सब कुछ आप रीति रिवाज के हिसाब से लाए हैं ना? लाए तो हम सब कुछ रीति रिवाज के हिसाब से ही है। एक बार आप भी देखकर तसल्ली कर लीजिए, कहीं आपके रीति रिवाज हमसे अलग तो नहीं है ना? मैं जरा आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। अंशु आओ जरा। हाँ ये डर। रश्मि जी, मैं तो ये सोच रही हूँ आप इतनी प्यारी साड़ियाँ लाई कहाँ से? मैंने तो पूरी झांसी में इतने बड़े बड़े शोरूम देखे, पर इतनी अच्छी साड़ियाँ तो मैंने कहीं नहीं देखी। धन्यवाद। ये सब काजल की चॉइस है, इसी ने खरीदा है और ये सब सामान उसी ने पैक किया है। अरे वाह बेटा, काजल ने। आई होप कोई गड़बड़ नहीं किया तुमने। नहीं तानिया दी, आप चिंता मत कीजिए। अब आपके पसंद के बारे में पूरा आइडिया है मुझे, तो उसी हिसाब से शॉपिंग भी कर ली मैंने। डोंट वरी। अरे आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वहां पर होली का दहन हो रहा है, अंशु भाई वेट कर रहे हैं आप सब लोग का। चलिए ना। चलिए आप लोग भी चलिए। बुआ, नाउ व्हाट? हमारी लिस्ट वाला प्लान तो फेल हो गया। सब कुछ लेकर आ गए ये लोग। मुझे तो लग रहा है कि हमें इन लोग को और बड़ी लिस्ट देनी चाहिए थी। सामान लाने से क्या होता है तानिया, होगा तो वही जो हम चाहते हैं। आज होली का दहन में देखना व्यास परिवार का गुरूर, आत्मविश्वास और इज्जत। सब स्वाहा हो जाएगा। चलो ना यार, माँ मन नहीं लग रहा है। ना, क्या जल्दबाजी है तुझे? पापा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, बट व्हाट इज दिस? हाँ, मैं तुम्हारा अंदर वेट कर रही हूँ, तुम डायरेक्टली बाहर आ गए। हाँ वो अंदर थोड़ी ठंड लग रही थी तो सोचा यहाँ आके पास आ जाऊँ। सो यू लाइक हॉट? दैट्स कूल। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। अरे रोचक रोचक आ जा, रोचक यहाँ खड़ा है, रोचक। बहुत शर्मिला है मेरा बेटा।
काजल 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 फेस पे नहीं है, सैंडल यूज मत करो, क्या है ना सैंडल से मारोगे तो मेरा फेस खराब हो जाएगा, ऊपर वाले ने मुझे इतना खूबसूरत चेहरा दिया तो कुछ तो इज्जत करो इस चेहरे की। अपनी होने वाली वाइफ के साथ कोई ऐसा करता भला? वैसे सच कहूं तो काजल मैं इससे ज्यादा करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे आसपास इतने सारे लोग हैं ना तो चीजी बातें कर रहे हो ना, एकदम चीप टपोरी जैसा। टपोरी जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। काजल मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैंने सोचा था कि वो सरप्राइज मैं तुम्हें कल बताऊंगा, लेकिन क्या ना कल तक वेट नहीं कर पा रहा हूं। तभी बताओ क्या सरप्राइज है। कल हमारी होली पार्टी में मनु भार्गव सर आने वाले हैं, माय आइडल, माय इंस्पिरेशन, मेरे गुरु मनु भार्गव सर। काजल हेलो काजल, क्या कहूँ भाई तुमने वो बिल्कुल शॉकिंग रिएक्शन दे दिया। आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा सेम रिएक्शन ना मेरा भी था, मैं भी बिल्कुल शॉक हो गया था जब मुझे पता चला कि कल हमारी होली पार्टी में मनु भार्गव सर आने वाले हैं। अच्छी न्यूज है ना आई आओ, चलो आ जाओ, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, आ जाओ। अरे ईश्वरी जी, अब मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, पर वो सारी साड़ी आपको कैसी लगी? ठीक ठीक, अगली बार और अच्छी लाने की कोशिश करूंगी। वैसे वो सारी साड़ियां मैंने पसंद की थी, वो जीजी ने तो ऐसे ही बोल दिया काजल का नाम। आपकी पसंद का पूरे पूरा ध्यान रखने की कोशिश की थी मैंने, अगर फिर भी कोई भूल चूक हो गई हो ना तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब वैसे जानती हूँ कि हमारा कोई जोड़ नहीं है, कहाँ आप कहाँ हम, पर मैं आपसे बड़ी इंप्रेस हूँ। क्या स्टाइल है आपका, क्या अदा है आपकी, गजब। मुझे अपने चरणों में थोड़ी जगह दे दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए ताकि थोड़ा सा गुरु ज्ञान मुझे भी मिल सके। ए सुनहरी, ये क्या कर रही तू हैं? हैं? जब देखो तब पैर में झुक जाती है, खबरदार दूर रहे मेरे दोस्तों से। दोस्त? हाँ, दोस्त के दोस्त दोस्त ही होते हैं ना। मैं समझाती हूँ, तानिया मेरी दोस्त है और आप तानिया की दोस्त कम हुआ मेरी भी दोस्त है ना। अच्छा लगा आपसे मिलके, अभी भी यही खड़ी है बेशरम कहीं की, चल जा। हाँ, समझ में नहीं आता कहा तुझसे, जब दो बड़े लोग बात कर रहे होते हैं ना तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, चल निकल यहाँ से। और आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, दूर रहे ना मेरे दोस्तों से, समझी तू? आए बड़ी ईश्वर, बिजी है बहुत वो। मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको। उस कामिनी से पीछा छुड़ा के आ रहे, कितनी बकबक करती है। हुआ कामिनी आंटी को छोड़ी और ये बताइए कि आगे करना क्या है, प्लान क्या है हमारा। सब्र रख, पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो होलिका दहन का शुभ अवसर है, पूजा करते हैं।
लो सब लोग आ गए हैं और तो लोग होलिका की पूजा स्टार्ट करें। तानिया, शगुन का सामान यहाँ ले आओ। यस डैड। नेक का सामान जलना अपशगुन होता है। ये शादी में विघ्न पड़ गया।